जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर फाइन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जॉब सर्च। आज की ये न्यू वीडियो, फैसल बैंक में कुछ न्यू जॉब्स अनाउंस की गई हैं उसके रिलेटेड है। आज मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि कौन सी जॉब्स अनाउंस की गई हैं और उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। आपको बताता चलूँ कि ये जॉब्स इंटर बेस पे अनाउंस की गई हैं कुछ जॉब्स, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरह से आपने अप्लाई भी करना है, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब, शुरू करते हैं। जी गाइस, सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पर। गूगल पर आपने आकर सर्च कर लेना है roozy.pk फैसल बैंक जॉब्स, ठीक है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके सामने जो पहली वेबसाइट आ रही है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर, काबिल इंटर्नशिप प्रोग्राम, रिलेशनशिप मैनेजर प्रायोरिटी, ब्रांच सर्विस ऑफिसर, आप ये सब देख सकते हैं। तो आपने सबसे पहले रिलेशनशिप ऑफिसर का देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री बैंकिंग है, फंक्शनल एरिया रिटेल है, टोटल पोजीशंस 25 हैं, जॉब टाइप फुल टाइम परमानेंट है, फर्स्ट शिफ्ट डे है, डिपार्टमेंट रिटेल बैंकिंग है, जॉब लोकेशन मल्टीपल सिटीज़ हैं, जेंडर नो प्रेफरेंस है, यानी मेल्स एंड फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट ए लेवल है, कैरियर लेवल इंट्री लेवल है, एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो आप फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश से लेकर 2 साल तक जिन लोगों का एक्सपीरियंस है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई जो शुरू हो रहा है वो 30 सितंबर से हो रहा है जी, और यहाँ पे 30 अगस्त को ये पोस्ट किया गया है और 30 सितंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका थोड़ा सा अप्लाई करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो बाकी भी हम देख लेते हैं इसी के साथ ही। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस तरह आप यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर वगैरह देख सकते हैं। तो इसमें जो है इसकी आपकी मिनिमम एजुकेशन बैचलर्स मांगी गई है, एक्सपीरियंस इसका 3 साल का मांगा गया, ठीक है। ये भी बैंकिंग की इंडस्ट्री की है जॉब, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रांच BSO जिसे हम कहते हैं, इसमें भी एजुकेशन, बाकी सब में एजुकेशन बैचलर्स मांगी गई है और एक्सपीरियंस आपका 2 साल तक का मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ गाइस कि इसका जो रिलेशनशिप ऑफिसर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए आपने सबसे पहले आ जाना है गूगल पर। जी मैंने अप्लाई कर लिया है और आपको बता देता हूँ कि किस तरह से अप्लाई करना है, क्योंकि इसका अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप वो समझ लें तो बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लॉगिन के पेज पे आएंगे। लॉगिन के पेज पे इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि साइन अप करना है, यानी रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको इस तरह कुछ इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे हर चीज़ अपनी इसी तरह से ऐड करनी है। अगर किसी को कोई परेशानी आ रही है तो मैं नीचे अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, तो अप्लाई के, लेकिन थोड़ी सी फ़ीस लगेगी क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। थोड़ी सी लगेगी, ज़्यादा नहीं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर और मैं आपका इंशाल्लाह अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने इस तरह रजिस्टर पर क्लिक किया, फिर उसके बाद आप ईमेल पर एक ईमेल आएगी, तो उधर से आपने अपनी ईमेल का यहाँ पे एक पासवर्ड दिया होगा कि पासवर्ड आपको ईमेल पे सेंड किया जाएगा, ठीक है। आपने प्रीवियस पासवर्ड लगाना है, फिर उसके बाद न्यू पासवर्ड लगा के तो आपने अपना अप्लाई कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में जॉब इंटरमीडिएट लेवल की नहीं आती, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें जितना कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें सिर्फ टोटल पोजीशन 25 अनाउंस की गई हैं, ठीक है। जो लाहौर वगैरह के शहरी हैं, जो 25 शहरों के नाम दिए गए हैं, तो आप उनमें से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी शहर पे अप्लाई करके वहाँ पे अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो आपको एक मेल से रिसीव हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे कौन सी मेल रिसीव हुई है जिस पर मैंने अप्लाई किया था, और जब अप्लाई डन हो गया था तो कौन सी मेल मुझे रिसीव हुई है। जी आपको मैं दिखाता हूँ अभी एक मिनट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे सबसे पहले जो लॉगिन किया था तो इस तरह की मेल मुझे रिसीव हुई थी, ठीक है। और ये इस तरह का ये मेरा पासवर्ड लॉगिन था,
तो इस तरह मैंने अपना लॉगिन किया। फिर लॉगिन करने के बाद जब मैंने हर चीज़ सबमिट कर दी थी, अपनी CV सबमिट कर दी थी, तो इस तरह की मेल मेरे से, वी हैव रिसीव योर CV एट पैसल बैंक लिमिटेड, वी विल कंसिडर यू फॉर द पोजिशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफिसर एंड लेट यू नो इफ देयर इज इंटरेस्ट। प्लीज़ नोट दैट ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टेक्टेड। ठीक है, अगर मुझे शॉर्ट लिस्ट किया गया तो ये मुझसे ज़रूर रब्ता करेंगे और मेरे टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो यही थी आज तक की वीडियो। अगर किसी भाई ने या बहन ने अपना अप्लाई करना हो तो मैं नीचे नंबर मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से देख के मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अप्लाई करवा सकते हैं। थैंक यू गाइस, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।